डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। गिरफ्तार होने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं है। हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। राजन शुक्ला पाल रहे हैं कि इसको केपी त्रिपाठी को वैसे अहंकार की मोटाई चढ़ी है। अब तक वह फ्री घूम ही रहा है, यह सरकार का शर्म नहीं आए। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ स्वाति। एक बार फिर हाजिर हुए हैं भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर को लेकर। पुलिस प्रशासन का अपराधियों से किस तरह से गांठजोड़ रहता है, यह तो आप आए दिन देखते रहते हैं। जिला पुलिस जहां सामान्य आमजन को खाकी का रौब दिखाती है, वहीं अपराधियों से साठ गांठ कर इन्हें संरक्षण देती है। खासकर जब अपराधी सफेद पोशो और पुलिस प्रशासन को उनसे यह डर हो कि इनके कहने से ही थाना और जिला मिलेगा, तो ऐसे में हम और आप कैसे न्याय की आशा रख सकते हैं। हद तो तब हो जाती है जब भ्रष्टाचारी अधिकारी न्यायालय को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई बार देखने को मिला है कि न्यायालय में मामला जाने पर पुलिस विभाग के जिला स्तर से लेकर संभागीय अधिकारियों को भी बकरी बनते देखा गया है, लेकिन जिला और थाना पाने के लिए अधिकारी जो वर्दी पहनते समय देशभक्ति जनसेवा की कस्में खाते हैं, वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब भूल जाते हैं। दरअसल पूरा मामला बहुचर्चित सिरमौर सीईओ कांड के आरोपी सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी से जुड़ा हुआ है। पहले तो रीवा की पुलिस ने सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी को कई शिकायतों में बचाती रही, जिससे उनके हौसले बढ़ते गए और सीईओ के ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया। इस बार भी पुलिस अपने सफेद पोशाका को बचाने का प्रयास किया और आरोपी नहीं बनाया, और जब न्यायालय ने संज्ञान में लिया और मामला दर्ज किया, इतना ही नहीं 8 दिसंबर को न्यायालय में हाजिर करने का सम्मन जारी किया, तो पुलिस न्यायालय और आरोपी विधायक के बीच दीवार बनकर खड़ी दिखी और फरार दिखाती रही। विधायक केपी त्रिपाठी सिमरिया विधानसभा से लेकर रीवा जिला मुख्यालय तक पुलिस के तथा कथित सिंघमों के सामने सभी कार्यक्रमों में शामिल होते रहे और जिले की सिंघम पुलिस आरोपी को सलामी ठोकती रही और न्यायालय के सामने यह जवाब दिया कि विधायक रीवा से बाहर है। आप सोच सकते हैं कि जनता की सेवा के लिए देशभक्ति जनसेवा की कसम खाने वाली पुलिस किस तरह से सफेद पोशों के सामने घुटने टेक देती है। हद तो तब हो गई जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गत दिवस टनल का लोकार्पण करने पहुंचे, तो विधायक केपी त्रिपाठी को मंच तक पहुंचाने में चर्चित तत्कालीन सिरमौर एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री कमर में हाथ डालकर मंच तक पहुंचाया। इस दौरान भारी सुरक्षा के लिए लगा पुलिस बल मौजूद रहा। इतना ही नहीं, आरोपी विधायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पैर भी पड़ते दिखे। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी विधायक से ना तो बात की और ना ही उनकी तरफ देखा, बल्कि ऐसे टाला जैसे इनसे कितनी घृणा हो। लेकिन उस दौरान भी पुलिस प्रशासन मौजूद रहा और अपनी आंखें बंद रखा। कुल मिलाकर पुलिस और प्रशासन का दोहरा चरित्र एक बार फिर देखने को मिला है, जहां फरार विधायक को चर्चित प्रशासनिक अधिकारी मंच पर पहुंचा रहे हैं, वहीं आला अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए अभी भी मूक दर्शक बने हुए हैं। ऐसे में आम जनता ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से कैसे न्याय की आशा रख सकती है। दो सीसी कोरिक्स पकड़ने, फरार वारंटियों के अपने से हाजिर हो जाने और अपहरित युवतियों के घर लौट आने पर भारी कार्यवाही की प्रेस विज्ञप्ति जारी कर वाहवाही लूटने वाली पुलिस, अपने आप को सिंघम बनकर पेश करवाने वाली पुलिस की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। हालांकि पुलिस की इस पट्टी को न्यायालय बीच बीच में खोलता रहता है, लेकिन भ्रष्टाचार में पांव से सिर तक डूबे आला अधिकारी ना तो जनमानस का सम्मान करते और ना ही न्यायालय का। आइए आपको दिखाते हैं उक्त वीडियो और सुनाते हैं आप पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष के साथ अन्य पदाधिकारियों और जनपद सीईओ के अधिवक्ता का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, जिससे अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा न्यायालय को गुमराह करने के लिए झूठा प्रतिवेदन दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीड़ित सीईओ के द्वारा आरोपी विधायक के खिलाफ कार्यवाही के लिए किस न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है।
जिसमें नंदन के बारे में अर्थों में दर्शाया गया है। यह परियोजना भारत माला पहुंची। अभी सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी के खिलाफ न्यायालय ने मामला दर्ज किया और न्यायालय के मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने यह कहा कि वह बाहर है, जबकि लगातार कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। किस तरह से पुलिस की भूमिका है और पार्टी जो चार चरित्र चेहरे की बात करती है, क्या मानते हैं किस तरह से कार्यवाही करना चाहिए और क्या स्थिति? सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक सिमरिया को राजेंद्र शुक्ला जैसे विधायक ने, जो कि हमेशा जो है ऐसे असामाजिक तत्वों को जो है बढ़ावा देने का काम किया, उन्होंने विधायक का टिकट देकर विधायक बनवाया। सबसे बड़ी वाली गलती तो वहाँ शुरू होती है। उसके बाद जिस प्रकार सिमरिया विधायक के पूर्व कृत्य रहे हैं और जिस प्रकार उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे जानलेवा हमला किए, मेरे ऊपर मारपीट की, शराब की दुकान के अंदर में नामजद थे, वीडियो में दिखे, पत्रकारों की गाड़ी पर हमला किया, सर फोड़वाया, ये सारे कांड करने के बाद उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए राजेंद्र शुक्ला और जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ में जो यहाँ बैठे हुए हैं, पहले जो एसपी रहे हों चाहे अभी नवनीत भसीन, इनको ये कहते हैं कोर्ट पे, एक इनका कहना है कि यहाँ पर जो है केपी त्रिपाठी नहीं है और इनके कार्यक्रम में वो लगातार कई जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रकार का कृत्य जो है बहुत ही शर्मनाक है और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली जो पार्टी है बीजेपी, ये पूरी तरह से फैल है और अपने राजेंद्र शुक्ला को स्वयं इस्तीफा इस बात पे देना चाहिए कि अपने साथ लेके गए थे मंच के ऊपर नीलमणि अग्नोत्री जी, एसडीएम सिरमौर हैं, वो मंच पे लेके जा रहे हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, पांव छूने जैसे वीडियो उनके साथ में साथ आ रहे हैं और सारा प्रशासन लगा हुआ है। तो मैं तो ये अपनी तरफ से कहूंगा कि इतने बड़े कृत्य को और इस प्रकार का अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कब का गिरफ्तारी हो गई होती, उसको जबरदस्ती जो है पालन कराया जाता, उसका वहां पर जो है कोर्ट ले आया गया था, लेकिन ऐसा ना करना ये बड़ा सवाल है। और मैं तो कहूंगा नवनीत भसीन और जो कलेक्टर रीवा है जो है पुष्प जी जो है अपने इस्तीफा दे दें, नैतिकता के आधार पे जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस प्रकार अपने जमीर को बेचकर नौकरी करने का काम, और ये नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि मेरा जो है विधायक जो है जिसने इतना बड़ा बड़ा कृत्य किया उस व्यक्ति को कैसे सह रहे हैं, इस बात का बड़ा सवाल यहाँ पर पूरी जनता देख रही है इस बात को, और सबके बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक अपराधी विधायक जिसका लगातार कृत्य रहा वो ऐसा कैसे अपराध गढ़ा रहा, उसको संरक्षण कैसे प्रशासन दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान के खुद के गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री है उनके कार्यक्रम में पहुंचना और मंच में बैठना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश सरकार नेस्तनाबूद करने की बात कर रही है, माफिया को, गुंडों को, दादों को, आज उनके मंच पर अपराधी है, न्यायालय ने घोषित कर दिया, मामला दर्ज कर दिया, इसके बाद भी कार्यवाही ना होना लगता है कि बढ़ावा दिया जा रहा है अपराध को। देखिए शिवराज सिंह चौहान जो है इस वक्त जो है एक्शन में सीएम कहला रहे हैं, कहीं भी जाते हैं छोटे मोटे कर्मचारियों को जो है उनको निलंबित करना और एक्शन में कहलाते हैं। एक्शन तो तब आपका माना जाता जब विधायक सिमरिया के घर पे जब इन्होंने आपराधिक कृत्य किया, उस समय जो है इन्होंने जिस प्रकार से जो है इनका हमने जब बुलडोजर चलाने का मांग किया था, इनके भी लगातार है इनके एडीआर रिपोर्ट में, जो कि हर किसी नेता की रिपोर्ट होती है, एडीआर रिपोर्ट जो कहती है उसके हिसाब से जो इनको 95% जो है अपराधी प्रकरण पहले से दर्ज रहे हैं, अपराधिक व्यक्ति है उसको टिकट दिया, उसके बाद फिर उनके कृत्य पे जो है कार्रवाई ना करना, ये निश्चित तौर से मानिए कि यहां पर जो है चाल चरित्र चेहरा और जो शिवराज सिंह चौहान जो अपनी बात कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कुछ नहीं करते। ऐसे ही तमाम अपराधी अगर इनकी लिस्ट टेररिस्ट अगर देख ली जाए तमाम जगह में गुपचुप तरीके से ऐसे लोगों को पालने का काम जैसे राजेंद्र शुक्ला पाल रहे हैं, कि इसको केपी त्रिपाठी को वैसी पालने का काम पूरे नरोत्तम मिश्रा हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो ये सब लोग, और यहां तक कि जानबूझकर जो है यहां प्रशासन में बैठे हुए लोग भी इस षड्यंत्र के तहत जो अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और अपने जमीर को बेचकर नौकरी कर रहे हैं, इस बात का पूरा प्रमाण था ये। सुधांशु जी, एक बार फिर से भाजपा का चार चरित्र और चेहरा उजागर हुआ, विधायक के खिलाफ न्यायालय ने मामला दर्ज किया और आज प्रशासन जो है बचाव में है, कह रहा है कि बाहर है, जबकि मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं, क्या मानते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है और कैसे जनता सुरक्षित है, कैसे विश्वास करें? नहीं, बीजेपी का सारे भारत में जो हालात है, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, तो ये अहंकार की मोटाई चढ़ी है। अकाल तो मामा के लगे ये भागत रहा सगला, अगर नितिन गडकरी हरे सब आए रहे, आई बचे बड़े बड़े देवी देवता बना थे, लेकिन इनके साथ के जो आस्तीन के सांप हैं वो चरहों कहीं भागत रहे। पुलिस प्रशासन तो बेचारा क्या करे, नौकरी करा था प्रोटोकॉल में, वो खुद है उनका माला पहनावा थे, तब मुजरिमन का कम से कम छाड़े
आइन खास आजाद इमाम है। तत्कालीन एसडीएम थे नीलमणि अग्निहोत्री, जिन पर कई बार आरोप लगे, भेदभाव, कंधे में हाथ डालकर ले जाते हैं, बैठाते हैं, जो विधायक थे पैर पड़कर क्या दिखाना चाहते हैं? प्रशासन पर दबाव बनाना चाहते हैं कि हम आज भी मुख्यमंत्री हैं और इनके चाहते हैं, तो क्या प्रशासन पर दबाव बनाकर जनता पर भय उत्पन्न करने का काम चल रहा है? हाँ, ये सत्ता का अहंकार है जो खुलेआम बीजेपी नाटक कर रही है चारों तरफ और जनता सब देख रही है, और युग युग परिवर्तन की बेला है और अब जनता ही इस लोकतंत्र को बचाएगी। क्या इस मुद्दे को लेकर आप लोग भी कुछ करने वाले हैं जनता के बीच? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कुछ दिनों में अब गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग अनशन में बैठेंगे और चुनाव के पहले केपी को गिरफ्तार करना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। इसमें मामा माई मुन्ना और जो विधायक सांसद और रहे माने लाज नहीं ला गए इनका, माँ कसम कि सगले लोकतंत्र का ही बजे खुलेआम हत्या कर रहे थे और टीवी में बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। छोटी छोटी बातों पर जो पुलिस प्रशासन है, एक दो सीसी कोरेक्स पकड़ दे तो बड़ा वाई सिंघम बन जाता है, किसी सामान्य व्यक्ति के यहाँ नोटिस पहुंच जाए तो ऐसे प्रेस करता जैसे कितना बड़ा सिंघम। एक विधायक न्यायालय जिसको कहा, आप खुद देखेंगे कि न्यायालय कई बार फटकार लगा चुका है, पुलिस को फटकार लगा चुका है। ऐसे में ये दिखा देना कि भोपाल में है जबकि लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव है, तो लगता है ना कि अभी भी पुलिस प्रशासन बीच में है, बचाव कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब उन्हीं के चंगो मंगे हुए हैं, ये आदिकाल से चला आबा है कि इस ये जो पुलिस उलिस होती ये सब सरकार के गुलाम रहा थे और सरकार के कहे मकाम कर रहे थे, कौनो देशभक्ति जन सेवा में दिखाए नहीं। तो देखे बदले खातिर अब यह है कि जब झाड़ू चले तब ये समाज के दुर्भाग्य साफ हुई, और इन खातिर हम पचे कमर कसे हैं ना संकल्पित हैं, और जब तक ये दुर्भाग्य पचे मिटा न तब तुम आनंद था। आप लोग अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे मामलों में पुलिस बड़ा एक्टिव हो जाती है, पुलिस खुद संरक्षण दे रही है, कह रही है भोपाल में, क्या मानते हैं किस तरह से मैसेज युवाओं को दिया जा रहा है, अपराधियों को कैसे संरक्षण दिया जा रहा है? क्या सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोनो साधारण व्यक्ति के ऊपर ऐसा घटना हो तो पहले पुलिस से मुकदमा कायम कर दे, लेकिन यह मुकदमा कायम वहाँ कोर्ट से भाग, सबसे बड़ा दुखद घटना यह है कि कोर्ट से यह मुकदमा का कायम कर किया सिद्ध कीनगा कि मैं विधायक से मरिया दोषी है, लेकिन अब तक वह फ्री घूम ही रहा है। यह सरकार का शर्म नहीं आए कि जब कोर्ट दे दी जब उन्हें का आदेश तो उसका तो सर्वोपरि हर व्यक्ति मानत रहा, लेकिन यह सत्ता सरकार जब से आई है तो एक पूरा ख्याल भूला है, अपने में यह विभूति है कि हमार जो विधायक है जो हमार लोग हैं, भाई इनका कहानी है जब से विधायक सिमरिया बने हैं तई जब सुनौरी में एक जन के घर गिरा इन्हीं के आदमी जो हैं राम मड़ी रहे ऊ गिरबाइन, इन्हीं के आदमी रमेश तिवारी हैं चौरा माँ ऊ विवाद कई के थाना माँ रिपोर्ट दूसरे ने खुदे मारपीट करी ने दूसरे के ऊपर मुकदमा करवाई, ये विधायक जी के सहमा रहा या अपना के जो है ऐसे सथनी माँ एक लड़का वह सनी समदरिया रहा ओखे ऊपर 376 के मुकदमा लगवाई इन्हीं रहे माँ इन्हीं के हाथ के द्वारा भा फिर सगरों में वही के ऊपर मुकदमा कायम करवाइन, मतलब सिमरिया विधायक का ताजुब यह लागत है कि बैठे सरकार में जो मुख्यमंत्री है गृह मंत्री है कहीं आधर उधर इनके समझ में नहीं आवे कि का जनता जी कि तुहिन तुहिन जीवे, वह रोड सबका बने खाती निकली, मतलब तू आ जा तो हम पंचे घर में लुक जाई, अब कौनो साधारण व्यक्ति के ऊपर अगर यह में हो गया हो तब तक ओकर घर गिरा दिए होते, हम पंचे ताके हैं कि केपी विधायक के कब ही घर गिरे ही, अगर ये घर नहीं गिरा मैं ओखा मुकदमा नहीं कायम के बातें नहीं पकड़े ओका सलाखा के अंदर ले जाए तो हम पंचन का शांति हो, अगर नहीं हो तो हम पंचे घेराव करब या एसपी ऑफिस के घेराव करब कलेक्ट्रेट के घेराव करब जहां तक हम ही पंचन के करे पड़ी। भैया बड़ा दुखद लागत है कि कोर्ट ओका आदेश करी अब फिर अब तक ही नहीं गिरफ्तार कर पाए, बड़ा शर्म के बात ही ऐसा सरकार सत्ता में बैठे लोग। देशभक्त जनसेवा की बात करती है, आपके इटौरा में युवक की हत्या हुई, परिजनों ने आरोप लगाया कि केपी त्रिपाठी संरक्षण था उसका आदमी, ऐसा नहीं लगता कि समाज में जिले में शांति व्यवस्था के नाम पर दहशत फैलाने के लिए पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहा, अपराधियों का कंधे से कंधा मिला है? भाई सबसे बड़ी बात है जब इनका टिकट मिला थी तई पहले खंगाला थे, भाई अबे उठा के देखी इनका लिस्ट जो है तई मत सबसे ज्यादा अपराधीन का टिकट दे ही, अबे इनके सबसे ज्यादा शायद बीजेपी के अपराधीन की लिस्ट में है, फिर अभी अपराधीन का ढूंढ के टिकट दीन, बहुत सारे लोग रहे पर उनका ही टिकट नहीं दीन, ले आए कि नहीं कई टिकट दे दीन, काहे काहे कि ये अपराधी मजबूत रहे, इनका नजर में आवा कि इनका अपराध मा ये मजबूत आदमी है, ये जनता के दमन कर सकते हैं, ये जीत के आई तो हमारे हिसाब से चली है। तो यह जो पुलिस प्रशासन है तो वह गरीब के घटना हुई गए अरे को के घरे के चिराग बुझाएगा तो का तुम्हारे ये समझ में नहीं आवा कि विधायक के सह दिखाते, अरे तमाम जब हल्ला हो बिना आगे के धुआं नहीं हो, यह मानी कि विधायक के कहो न कहो नाम है, अगर नाम न हो
उक्त हल्ला न होत, आगे जलन लागी तो मधुआ उठल लाग है। तो विधायक के नाम है तो कहाँ न कहाँ उनका काम जरूर वहाँ है, यह तो सबका जाने चाहिए। और जनसेवा करे खातिर पुलिस प्रशासन में बैठे लोगन का हमका पंचन के बड़ा दुख लागत है कि हमारे पंचन की व्यवस्था खातिर यह सरकार एक नियुक्त करे ही, पुलिस प्रशासन की सबकी व्यवस्था का अच्छा करी तो का ये सत्ता सरकार भर का देखे वाली है, का विधायक भर के लोगन का देखे वाली है। हम पंच कहाँ आवाज लगाऊ, कहाँ गुहार मारा। क्या कुल मिलाकर थाना और जिला पाने के लिए पुलिस नतमस्तक है अपराधियों और सफेद पोशों के सामने? बिल्कुल बराबर, ये पूरी तरह से अपने का मजबूत करेगा कि हम अगर एसपी हैं तो हम कमिश्नर हो जाएगी, हम जो अपर कलेक्टर हैं तो फुल कलेक्टर हो जाए। इनके पूरी मंशा है कि जो में सरकार इनका कही, जो में इनका विधायक कही, तो में कही के उनके चंगू मंगून का कही के अपने का पद पोस्ट में ऊपर रखे चाहते। यह बड़ा दुखद है, युवा का करी बिचारे, ये बेरोजगार भागल लागे, ये लेके जाए तो मुकदमा उन्हीं के ऊपर कायम हो जाए, पुलिस प्रशासन कुछ बोल जाए तो उनके ऊपर कुछ ना हुई। अरे कानून तो बराबर आए, अगर गलती प्रशासनिक आदमी करे तो ओहू के ऊपर उतने कानून लागू होते है जितना एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर लागू होते है। पर का कह दे या अपने रीवा की पुलिस का कह दे या बीजेपी के सरकार का, बड़ा शर्म लागत लाग है, बहुत शर्म के बात ही। अब इसे ज्यादा का कही, इतने आवाज आदमी उठा सकते, अगर नहीं माने तो इनके खिलाफ हम पंचे धरना में जरूर बैठब। कोर्ट ने थाना सेमरिया को निर्देशित किया है कि उनकी तामीली आवश्यक रूप से कराएं और जो जांच चल रही है उसके भी जांच के लिए निर्देशित किए हैं कि जल्द से जल्द जो वहां पे घटना घटी थी वहां के टावर लोकेशन हर मोबाइल का देखकर और जो अन्य आरोपी बच रहे हैं उनको भी के खिलाफ सही जांच होनी चाहिए। इसके पुलिस ने जो चार आरोपी जेल में हैं उनके विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है और शेष लोगों के लिए जो अन्य लोगों का नाम लिखा है उनके लिए 173(8) में जांच के लिए चल रही है कार्रवाई। पुलिस ने ये प्रतिवेदन दिया है कि मैं उनके नेहरू नगर स्थित निवास गया था, वो अपने घर पर नहीं मिले और यही प्रतिवेदन दिया गया है। जी नहीं, वो तो हमेशा यहीं पर रह रहे हैं, पुलिस जो है न्यायालय में सही प्रतिवेदन नहीं दे रही है और सत्ता पक्ष का दबाव है, वही दबाव की वजह से पुलिस जो है तो जी बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस तो पूरी तरह से ही बचाने का प्रयास कर रही है, न्यायालय ही है जो कोई कार्रवाई की है, पुलिस तो अपने तरफ से उनको क्लीन चिट दे दी थी। अपरा दिन से हाइन कर में लभैया, दिखाते का विधायक के खेल भैया, ये मेरे जनता निकाल ले तेल भैया, दिखाते का विधायक के खेल भैया। देखा आपने, वह विधायक जिसके ऊपर आप पार्टी के जिला अध्यक्ष के ऊपर हमला करवाने, न्यूज वैन में तोड़फोड़ करवाने, मारपीट करवाने, झूठे मामले में फंसाने, शराब दुकान में घुसकर मारपीट करने, इनके आपराधिक सहयोगियों के द्वारा कई जगह जघन्य वारदात करने के बाद भी पुलिस इन पर मामला दर्ज नहीं किया। जब न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लिया तब भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है, अब पुलिस प्रशासन पर किसका दबाव है? विधायक केपी त्रिपाठी से मुख्यमंत्री ने भी पल्ला झाड़ लिया, तो क्या अभी भी स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला का प्रशासन पर दबाव है? आखिर वजह क्या है कि चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भाजपा के विधायक राजेंद्र शुक्ला आरोपी विधायक के बचाव में खड़े हैं? अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ, हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।